सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कविता की व्याख्या पढ़ी थी। इस कक्षा में हम इससे जुड़े प्रश्नोत्तर को जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इस कविता में किसकी सवारी आ रही है? उत्तर है, इस कविता में रवि की सवारी आ रही है। दूसरा प्रश्न है, रवि की सवारी के स्वागत में कौन कौन तैयार है? उत्तर है, रवि की सवारी के स्वागत में पक्षी, बंदी, चारण इत्यादि तैयार हैं। तीसरा प्रश्न है, रवि की सवारी के आने से मैदान छोड़कर कौन भाग गया? उत्तर है, रवि की सवारी के आने से मैदान छोड़कर तारे भाग गए हैं। लिखित प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, रात का राजा कौन है? पहले प्रश्न का उत्तर है, रात का राजा चांद है। द्वितीय प्रश्न है, बादलों ने किस रंग की पोशाक पहनी है? उत्तर है, बादलों ने स्वर्ण की पोशाक पहनी है। तीसरा प्रश्न है, कविता के रचयिता का नाम लिखें। उत्तर है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रातःकाल सूर्योदय के समय क्या क्या बदलाव आते हैं? बच्चों, शुरू से लेके अंत तक कविता में बहुत सारे बदलावों को देखा गया है कि किस तरह सूर्योदय होने पर पक्षी गाने लगते हैं, एक नया दिन निकलता है, लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। साथ ही साथ जो तारे रात को दिखाई दे रहे थे वे सूर्य के प्रकाश से ओझल होने लगते हैं। तारों के साथ साथ चंद्रमा भी आकाश से ओझल हो जाता है, वह जाता नहीं है, सूर्य के प्रकाश में खो जाता है। इस प्रकार अन्य और भी बदलाव देखे गए हैं, सभी को मिलाकर आप अपना उत्तर तैयार करें। द्वितीय प्रश्न है, सूर्य के अनुचर कौन है? सूर्य के अनुचर बादल है। कीर्ति गायन कौन गा रहे हैं? विहग, बंदी और चारण मिलकर कीर्ति गायन गा रहे हैं। चौथा प्रश्न है, कवि ठिठक क्यों गया? कवि ठिठक इसलिए गया क्योंकि रात का राजा चंद्रमा है, वह सूर्य के सामने भिखारी बनकर खड़ा है। इसका कारण यह है कि सूर्य में के प्रकाश से वह प्रकाशित होता है और जैसे ही दिन निकलता है वह सूर्य के प्रकाश में खो जाता है। इसलिए वो याचना करता है कि कब जल्दी से रात हो और फिर वो रात का राजा बन जाए। पांचवा प्रश्न है, चांद को कवि ने भिखारी क्यों कहा है? इसका उत्तर है, चांद में अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसीलिए कवि ने चांद को भिखारी की उपमा दी है। कविता की पंक्तियों के नीचे दिए गए सही उत्तर पर निशान लगाएं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, ख है इसका उत्तर, बादलों के सेवकों ने सोने की पोशाक पहन ली। द्वितीय है, छोड़कर मैदान भागी, इसका उत्तर है ग, सूर्य निकलने पर तारे दिखाई देने बंद हो गए। मूल्यपरक प्रश्न, सूर्य को नमस्कार क्यों किया जाता है? सूर्य को नमस्कार करने की परंपरा भारतीयों में बहुत पुरानी है। सूर्य को हम देवता के रूप में जानते हैं, अर्थात देवता के सामने नतमस्तक होना, उनको प्रणाम करना, यह हमारी परंपरा है। साथ ही साथ सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, यह ऊर्जा हमारे सारे दिन के लिए है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर नए दिन की शुरुआत होती है और किसी भी चीज़ की जब हम नई शुरुआत करते हैं उसको हम प्रणाम करके बड़ों का आशीर्वाद लेकर और अपने पितरों के आशीर्वाद के साथ ही करते हैं। इसीलिए भारतीय समाज में
सूर्य को नमस्कार करने की परंपरा अभी नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। द्वितीय प्रश्न है, सूर्य हमारे जीवन के लिए उपयोगी कैसे हैं? जैसा कि मैंने प्रथम प्रश्न में उत्तर में कहा कि सूर्य अपने आप में ऊर्जावान है, इससे हमें विटामिन डी मिलता है, इसके आने से नई दिन की शुरुआत होती है, लोगों में जीवन जीने की लालसा बढ़ जाती है, लोग अपने अपने कामों में निकल जाते हैं और जो काम अधूरे रह गए थे वह सूर्य की रोशनी में पूरे कर लिए जाते हैं। सिर्फ मनुष्य जाति ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी सूर्य के कारण ही जगमगा उठती है। जहाँ पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चहकने लगते हैं, वही फूल जो खिले नहीं थे रात को सूर्य की रोशनी से खिलकर पूर्ण फूल बन जाते हैं। अतः प्रकृति का कण कण सूर्य का आभारी है, इसीलिए सूर्य हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। आगे के प्रश्नों में हम देखेंगे कि व्याकरण का भाग है, यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिसको कोष्टकों से निकालकर हमें यहाँ लिखना है। प्रथम प्रश्न दिया हुआ है और उसका उत्तर भी दिया गया है। पर्यायवाची शब्द है रवि और उसके पर्यायवाची शब्द शब्द रूप है सूर्य, सूरज, भानु। पथ, मार्ग, राह, रास्ता। रात, रात्रि, रजनी, निशा। तारे, तारक, नक्षत्र, सितारा। विहग, नक्षर, पक्षी, पक्षी। कुसुम, फूल, सुमन, पुष्प। बादल, वारिद, घन, मेघ। किरण, अंशु, रश्मि, कर। दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पहला रवि पुल्लिंग, कुसुम स्त्रीलिंग, पोशाक स्त्रीलिंग, फौज स्त्रीलिंग, किरण स्त्रीलिंग, बादल पुल्लिंग, पक्षी पुल्लिंग, रात स्त्रीलिंग। दिए गए मुहावरों के अर्थ पढ़कर वाक्य बनाएं। मैदान छोड़कर भागना हार स्वीकार करना, डंका बजाना प्रभाव जमाना, हाथ फैलाना भीख मांगना। यहाँ मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, आप सभी को छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा इन मुहावरों के अर्थों को समझना है और वाक्य बनाने हैं। आगे के पेज में है, नीचे दिए गए श्रुति शब्दार्थक शब्दों के आगे सही अर्थ चुनकर लिखें। पथ, मार्ग, पथ्य, परहेज। सजा, दंड, सजा, सजना। अंग, संज्ञा, अंग, शरीर का भाग। जलज, बादल, जलद, कमल। पांचवा प्रश्न है, कविता की दी गई पंक्तियों को गद्य में लिखें। काव्य में है उसे गद्य में बदल कर लिखना है। गा रहे हैं कीर्ति गायन, कीर्ति गायन गा रहे हैं। चाहता उछलू विजय कह, मैं चाहता हूँ कि विजय कह उछलू। आगे है संधि वर्ण विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। छात्रों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए यह उत्तर दे दिए हैं, कृपया इसे देखें और करें। मैंने अभी तक जिन भी प्रश्नों के उत्तरों को आपके सामने रखा है, सारे प्रश्न संख्या एक मौखिक लिखित दीर्घ उत्तरीय, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। और आप लोगों की सुविधा के लिए आप देख रहे होंगे कि सभी के उत्तर मैंने पुस्तक में लिख दिए हैं, कृपया आप इनकी वर्तनी शुद्ध अपनी कॉपी में लिखें। और पुस्तक में जो भी कार्य मैंने अभी आप लोगों को करवाया है वह सारा कार्य पुस्तक में समाप्त कर लें। धन्यवाद।